है राजू, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग मन में कुछ इस प्रकार का डाउट मत कीजिए। बार बार आप लोग के मन में एक ही प्रकार का डाउट आ रहा है। क्या डाउट है? कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस पाने के लिए तो गौर कीजिएगा। ये हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में देखिएगा रहा, रही और रहे हैं तो रहेगा, इसमें भी रहेगा रहा, रही, रहे हैं रहेगा। फर्क यह है कि इसमें जो है टाइम नहीं रहेगा, इसमें जो है टाइम रहेगा, बस यही डिफरेंस है। जैसे मेरे पापा खाना पका रहे हैं, इसमें रहेगा मेरे पापा एक घंटा से खाना पका रहे हैं। मींस अगर इसमें टाइम दे देगा समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, अगर टाइम नहीं दे रहा है तो सिर्फ प्रेजेंट नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर इसका बनाने का कुछ इजी और चटकदार मजेदार कुछ फॉर्मूला को मेंशन कर दीजिए सर। तो आपके सामने देखिएगा फॉर्मूला बहुत इजी तरीका से और सिंपली तरीका से आपको मेंशन किया जा रहा है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बाबू हैज, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हैव, नॉट रहेगा तो लगाना नहीं तो मत लगाना, फिर उसके संग में क्या लगाना है, बिन लगाना है, फिर चौथा फॉर्म सभी के संग, फिर ऑब्जेक्ट अगर देख लेना, टाइम अगर निश्चित रहेगा, निश्चित जो कभी बदलता ना हो तो सिंस लगेगा, और जो टाइम बार बार बदल रहा है तो उसके संग फॉर लगेगा, और फिर टाइम को मेंशन कर दीजिएगा टी फोर टाइम। ओके तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल बहुत ही आपके सामने मेंशन किया गया, मेरे पापा 1945 से इस कारखाने में काम कर रहे हैं। देखिएगा माई फादर, ठीक है माई फादर मेरा सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत, मेरे पापा एक ही है बाबू तो क्या होगा, माई फादर हैज़ बीन, ठीक है माई फादर हैज़ बीन, उसके बाद में क्या होगा, वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1945। अब तो गौर कीजिएगा, माई फादर सिंगुलर है, एक आदमी है तो इसलिए हैज़ लगाएंगे, अगर रहेगा वे लोग तो हैव लगाएंगे, लेकिन यहाँ माई फादर दिया हुआ, कोई दिक्कत। ये हमारा मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, इन दिस कंपनी, ये हमारा क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट, और सिंस 1945 ये हमारा जो है टाइम। अगर यही रहेगा मेरे पापा 10 साल से इस कारखाने में काम कर रहे, माई फादर हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 10 ईयर्स नहीं लिखेंगे। हमेशा तुम लोग को देखते हैं कि बार बार तुम लोग ये गलती कर देते हो, क्यों गलती करते हो? अरे बाबा यहाँ 10 ईयर्स रहेगा, यहाँ 1945 फिक्स आ रहा है, फिक्स कभी भी कोई साल का ईयर फिक्स दे देगा, कभी भी कोई मंथ का अगर मान लीजिए फिक्स दे देगा तो समझिए ये फिक्स रहेगा, फिक्स के लिए सिंस लगेगा। अगर मान लीजिए अनसर्टेन रहेगा तो उसके लिए सिंस नहीं लगेगा। 10 ईयर्स सपोज मान लीजिए कि यहाँ 10 ईयर्स लिखा रहता तो क्या लगाते हैं, सिंस की जगह क्या लगाते हैं, फॉर लगा देते हैं। देखिए माई फादर हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, ओके हमको लगता है अगर कोई डाउट नहीं होगा बाबा, बहुत इजी सेंटेंस है, बार बार बता रहे हैं इसमें टाइम आएगा उसमें टाइम नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर जोश के संग, ओके बाय।